अगर हम टूल्स में डाउनवर्ड मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे जो टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल, इंटरेक्टिव फिल टूल या ग्रेडियंट, आप इसे इंटरेक्टिव फिल टूल भी कह सकते हैं या ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की आपके पास जी है, अगर आपने ग्रेडियंट को एक्टिव करना है तो आप जी को प्रेस करोगे। अब इंटरेक्टिव फिल टूल में आपके पास मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं, और जब आपके पास आप सॉलिड कलर कहते हो तो आपके पास सिंगल कलर होता है। अब सिंगल कलर को फ्लैट कलर भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रेडियंट बोलते हो तो ग्रेडियंट में आपके पास दो या उससे ज़्यादा कलर्स होते हैं, मल्टीपल कलर्स आपके पास होते हैं। हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की F6 है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करते हैं, या फिर सिंपल यू ड्रैग करके हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। इसके अंदर हम कोई कलर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि हम यहाँ से ब्लू कलर अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हमारा सॉलिड कलर है, इसको आप यूनिफॉर्म कलर भी कह सकते हैं या फ्लैट कलर भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड रखो और यहाँ पे आपके पास फ्लाई होते हैं, पहला इंटरेक्टिव फिल टूल है। इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप जी को प्रेस भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जी को प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो बकेट आ रहा है, अब ये हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नो फिल की है, ये इंटरेक्टिव फिल टूल की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नो फिल है, अभी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लू कलर है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नो फिल, तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पे कलर अप्लाई हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। और अगर हम इस नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिफॉर्म फिल, तो यूनिफॉर्म फिल में क्या होता है, आपका सिंगल कलर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बटन अवेलेबल है लेकिन बहुत रेयर होता है कि हम इसको यहाँ से यूज़ करें, क्योंकि जब आपको अप्लाई ही सिंगल कलर करना है, लाइक फ्लैट कलर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप उसको सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप अपना जो भी कलर चूज़ करना है उसको यहाँ पे प्रेस करें माउस को, और यहाँ पे आपका वो कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करके फिर यहाँ से यूनिफॉर्म कलर अप्लाई करते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे बटन अवेलेबल है, तो ये क्या करता है, जस्ट सिंगल या सॉलिड कलर अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इन्हीं कलर्स में बटन में नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल क्या करता है, यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करता है, आपके पास यहाँ पे ये टू कलर्स अप्लाई करके आपको दे देता है। अगर मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें यहाँ पे आपके पास टू कलर्स अप्लाई हो गए, एक साइड पे आपके पास डार्क कलर है और एक साइड पे आपके पास लाइट कलर है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखें, ये नोड्स हैं आपके पास, एक ये नोड है और एक ये नोड है, ये दोनों नोड्स आपके पास कलर्स के नोड्स हैं, या आप इनको बकेट कह सकते हो कि आपके पास ये कलर्स के बकेट्स हैं। तो अगर मैं जूम इन करके देखूँ, अगर मुझे यहाँ पे कलर चेंज करने हैं, ये हमारे पास बकेट है और एक बकेट यहाँ पे कलर का है, अगर हम इन कलर्स को चेंज करना हो आप यहाँ पे क्लिक करें, जस्ट एक बार आपने क्लिक किया, अब इसका जो ये मेन्यू आ रहा है यहाँ पे आपके पास ये बटन आ रहा है नोड कलर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में कलर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज के आप यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर या रेड कलर सेलेक्ट कर दो यहाँ से, तो आप देखें ऊपर चेंजिंग्स कि आपका यहाँ पे इस नोड में येलो रेड कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ पे मैं येलो लेता हूँ तो यहाँ पे येलो कलर अप्लाई हो जाता है। अगर आप आगे मूव करते हो या ब्लू ले लेते हो, तो आप यहाँ से आपने ब्लू सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपका ब्लू कलर अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर मैं इस नोड के अंदर कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस नोड के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस नोड के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करें, नोड कलर जो है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर रहे हैं। लाइक मैंने कहा, यहाँ एक साइड पे आप डार्क कलर रखते हैं, एक साइड पे लाइट कलर रखते हैं, आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन इफेक्टिव तभी होता है जब एक साइड पे आपके पास डार्क, एक साइड पे आपके पास लाइट हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सियान जो है वो अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरह से,
तो अब यहाँ पे हमें टू शेड्स कलर्स के मिल रहे हैं, एक साइड पे हमारे पास डार्क कलर है और एक साइड पे लाइट कलर है। आप यहाँ पे चाहें तो कलर कोई और कर लें, लाइक हम येलो कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, हमारे पास टू कलर्स हैं यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखें, एक तो आपके पास कलर सेलेक्ट करने के लिए जो ये वाला बटन है, ये कलर्स आपको चूज करने के लिए आप कौन सा कलर यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, जिस आप रेड जिस तरह सेलेक्ट करते हो। और अगर हम इसी के आगे मूव करें, जो आपके पास ये वाला नोड है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का बटन है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आपके यहाँ पे कलर को ट्रांसपेरेंट कर देगा ये जो स्लाइडर है आपके पास, आप इसको आगे जैसे मूव करेंगे ये आपके पास उतना उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। लाइक ये अभी 0% पे था तो हमारा यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है, जैसे आप इस स्लाइडर को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारा रेड कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो 100 पे ये 0 हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी 0 रखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सॉलिड रेड कलर है और यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है और यहाँ पे ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ। इसके अगर हम आगे बटन्स में मूव करें तो यहाँ पे फाउंटेन वेक्टर पैटर्न फिल है या बिटमैप पैटर्न है या टेक्स्ट टू कलर पैटर्न फिल है, टेक्सचर फील्ड है और पोस्ट स्क्रिप्ट फील्ड, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम यहाँ से फाउंटेन फील्ड को देख रहे हैं। यहाँ पे एक वे तो आपके पास फाउंटेन फील्ड का अप्लाई करने का ये है कि आप यहाँ से इंटरेक्टिव फील्ड टूल को लें, जैसे अभी यहाँ पे हम नो फील करते हैं और फिर यहाँ पे हम कोई कलर दे लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज आपको कोई कलर अप्लाई करना है, आप चाह रहे हो फाउंटेन आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ से इंटरेक्टिव फील्ड टूल को लेंगे और यहाँ से आप फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास दो कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब एक साइड में मेरे पास रेड है और एक साइड पे मेरे पास येलो, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहें कलर से कलर्स को, तो मैंने बताया आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू में से कलर जो है वो सिलेक्ट करें। सेकेंड, यहाँ पे आप मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास जस्ट टू कलर्स हैं, अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ पे फर्दर कलर्स ऐड कर सकते हो। कलर्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नोड्स ऐड करना होंगे। अब हम अगर यहाँ पे कोई नोड ऐड करना चाह रहे हैं, उसका क्या मेथड होता है कि आप ये जो लाइन आपके पास आ रही है जिसमें आपके नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, ये जहाँ पे आप देखें एरो जहाँ पे बना हुआ है और नोड्स हमारे पास हैं कलर्स के, इस लाइन पे आपने नहीं करना, आपने इस लाइन के ऊपर आना है। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आप जब अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे देखें आपका माउस का कर्सर चेंज हो गया। पहले कुछ कर्सर हमारे पास ये देखें यहाँ पे बकेट आ रहा था, जैसे ही आप इसको इसके करीब लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे कोई ग्रेडिएंट कलर ऐड करना है या नोड ऐड करना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक को आप दो बार प्रेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो बार प्रेस किया यहाँ पे हमारे पास कलर आ गया। अब ये कलर इन दोनों का मिक्सचर है, रेड और येलो का, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं आप इसको यूं ओपन करें और यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे लें, लाइक सियान आपने दे लिया, तो इस तरह आप देखें आपके पास थ्री कलर के इफेक्ट आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसपेरेंसीज की आप कम कर सकते हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसकी इतनी ही रहने दें 100% तक। ये स्लाइडर आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शन आ रहा है, आप कितने परसेंट किस कलर को रखना चाह रहे हैं, आप इसको यूं जब आपके पास यहाँ पे प्लेस है आप इसको इसके साथ बिल्कुल ड्रैग करते हुए इस जगह भी एडजस्ट कर सकते हो या इसको इस साइड पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप जितना इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप इस स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्दर कोई कलर ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे अगेन एक बार क्लिक करें, आपके पास एक नोड यहाँ पे अगेन ऐड हो जाएगा और इसमें आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप कलर ले लें, लाइक हम यहाँ पे यहाँ से ग्रीन कलर लेते हैं या फिर पिंक ले लें, जो भी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चार स्लाइडर ऐड किए, इसको थोड़ा ड्रैग करके साइड पे रख लें और इसको थोड़ा यहाँ पे रख लें, तो यहाँ पे हमने चार नोड्स ऐड कर लिए कलर्स के। अब अगर आप इनमें से किसी कलर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसी नोड के ऊपर आके, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ अंडू। तो अगर आपने किसी यहाँ नोड्स को डिलीट करना है आप उस नोड के ऊपर आएंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक को दो बार प्रेस करेंगे, जैसे मैंने टू टाइम प्रेस किया है ये कलर यहाँ से
चला गया। इसी तरह इस नोड को अगर आपने ख़त्म करना है, अब यहाँ पे टू टाइम प्रेस करोगे माउस के लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे वो कलर भी हमारा चला जाएगा। नोड्स ऐड करने का हमारे पास एक और वे है। अगर आपको नोड ऐड करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कलर्स को पिक करें। लाइक मैंने यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, और यूं मैं माउस के जस्ट कलर को सिलेक्ट करते हुए आपने जैसे यहाँ से हमारे पास ब्लू है, इसको पहले हम झील ले लेते हैं। अब यहाँ से ब्लू कलर के ऊपर आएंगे और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। अब जैसे ड्रैग करके आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर आपने आके यहाँ पे क्लिक कर देना। इस लाइन के ऊपर आके क्लिक कर दिया तो वो यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया कलर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ऑरेंज को लेता हूँ, ऑरेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद इस लाइन के ऊपर आके क्लिक कर देंगे तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, ये तो आपके पास यहाँ पे नोट्स करने के वे हो गए। फर्स्ट मेथड क्या है, आप यहाँ पे आएंगे लाइन के ऊपर, दो बार क्लिक प्रेस करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, वहाँ पे नोड ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नोड ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर दे लें। सेकंड मेथड क्या है, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलर्स को, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास फाउंटेन फिल एक्टिव है, अगर आप इन अफेक्ट्स को अभी लीव कर दें और अगर नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये आपके पास लीनियर फाउंटेन फिल है, ठीक है। अभी हम लीनियर फाउंटेन फिल को देख रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट मूव करते हो तो यहाँ पे एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है। ये क्या करता है, आपके पास जो, अगर आप इसको एक इलिप्स की फॉर्म में आपके पास कलर्स को अप्लाई करता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एलिप्टिकल फाउंटेन फिल, आप देखें एक इलिप्स की तरह यहाँ पे आपके पास कलर्स अप्लाई हो रहे हैं। हम यहाँ पे लीनियर पे देखते हैं अभी। देखें पहले आपके पास रेड है, फिर मैजेंटा, फिर आपके पास यहाँ पे जैसे ब्लू है, ऑरेंज है या येलो है। हम यहाँ से कुछ कलर्स को अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप डबल क्लिक करोगे, आपका कलर वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम डिलीट, अभी जस्ट टू कलर्स हैं, या फिर हम यहाँ पे सियान को ऐड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फाउंटेन, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखें ये एलिप्टिकल फॉर्म में हमारे पास कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। लीनियर में क्या था, रेड पहले आ रहा था, फिर सियान, फिर येलो, और अगर हम एलिप्टिकल में देखें, इनसाइड येलो आ रहा है, फिर सियान, और फिर हमारे पास आउटर एज में आ रहा है रेड कलर, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे रिवर्स हो गया, इन साइड स्टार्ट करता है, नहीं इस साइड पे येलो था तो ये इस साइड से स्टार्ट करा, ये हमारा बिल्कुल मिडल में होगा, फिर सियान आएगा, फिर रेड आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास पहले येलो आ रहा है, फिर सियान, और फिर रेड आ रहा है। ये एलिप्टिकल फाउंटेन फिल में आ रहा है। इस एलिप्टिकल फाउंटेन फिल के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, इसको भी हम साइड पर प्लेस करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल को या जी को प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक करोगे तब भी यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक और मेथड से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ प्रेस करोगे, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आएं और माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके यूं ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, आपका यहाँ पे ये इंटरेक्टिव फिल टूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल को आपने सेलेक्ट किया या जी को प्रेस कर दिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है, लाइक ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है, ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, तो मैं जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेडियंट या इंटरेक्टिव फिल टूल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम पहले देख चुके हैं कि कलर को आपने यहाँ पे ऐड करना है, ड्रैग करें कलर को, यहाँ पे आके क्लिक कर दें, आपका कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस कलर को लेके आते हैं, इस नोड के ऊपर आके क्लिक कर दें, आपका कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इलिप्स की फॉर्म में हमारे पास कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लाइक जो हमारा लाइट कलर है वो मिड में है, और जो हमारा डार्क कलर है वो आउटर एजेस में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करते हो और यहाँ से कलर अप्लाई करते हो, वो इस तरह से भी आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप यहाँ से कोई भी नोड सिलेक्ट कर लें, जैसे आपने अब इस नोड को सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कलर अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपका कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास इन नोड्स में कलर्स अप्लाई करने। अभी तक मैंने थ्री मेथड बताया है, या आप यहाँ नोड पे क्लिक करें, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर सेलेक्ट कर लें। सेकंड मेथड, आप यहाँ से कलर को पिक करें, उसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। थर्ड, आप यहाँ पे इस नोड को पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप कलर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एलिप्टिकल फॉर्म में जो कलर है वो अप्लाई हो गया। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉनिकल फाउंटेन फिल है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक आप देखें कि आपके पास एक लाइन आ रही है डिवीजन की, और इसके एक साइड पे आपके पास रेड कलर है और एक साइड पे आपके पास यहाँ पे येलो कलर है। लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे एक डिवीजन आ रही है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक साइड पे रेड है और एक साइड पे आपके पास येलो है, और यहाँ पे आपके पास दोनों कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। या जब कॉनिकल को अप्लाई करेंगे तो इस तरह ये आपके पास ग्रेजुअली कॉनिकल शेप में आपके पास कलर्स को अप्लाई करेगा। अगर आप इस हैंडल को यहाँ से होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो ये आपका पूरा यहाँ से इस तरह से मूव करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से एक जैसे आपने यहाँ आप इसको प्लेस कर लिया, और अगर आप यहाँ पे इस हैंडल से पकड़ कर इसको रोटेट करते हैं तो आपका ये रोटेट हो जाएगा इस तरह से। इस हैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यूँ रोटेट करेंगे एजिस में तो ये रोटेट करेगा हमारे पास कॉनिकल फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस तरह से। आपके पास लाइक यहाँ पे आपने रेड अभी सिलेक्ट किया और रेड को सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर चेंज करते हो, ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे येलो को सिलेक्ट करके आप कलर चेंज करते हो तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाएगा आपके पास। इसके अलावा अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है, लाइक एक रेक्टेंगल की फॉर्म में या डायमंड शेप में आपके पास जो फाउंटेन है वो अप्लाई होगा कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला इफेक्ट आपके पास आ रहा है, आप इसको समटाइम डिज़ाइनिंग में कुछ लाइक जैसे ये मेरे पास एक यहाँ पर रेक्टेंगल है और मैंने जी को प्रेस किया कीबोर्ड से और यूँ ड्रैग करके यहाँ पर फाउंटेन अप्लाई कर, यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर फाउंटेन को अप्लाई किया तो कुछ इस तरह से डायमंड शेप में आपके पास यहाँ पे कलर जो है वो ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल साइज में छोटा कर लें, आपको सम टाइम इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करने पड़ सकते हैं तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसके यहाँ पे अगर इस हैंडल पे अगर आप आते हैं तो आप इसको इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हैं इन हैंडल इन नोड्स को, या जो ये आउटर वाले आपके पास एजेस हैं इनकी मदद से आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम यहाँ से अगर कोई हमने यहाँ पे कलर अप्लाई कर लिया उसको अगर हम करना चाह रहे हैं रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करोगे नो फिल आ जाएगा, आपका जो भी यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया वो आपका रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बटन्स में देखें, यहाँ पे पहला नो फिल है, सेकंड यूनिफॉर्म है और नेक्स्ट फाउंटेन फिल है। फाउंटेन फिल की हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस की है, पहला लीनियर फाउंटेन है, नेक्स्ट एलिप्टिकल है, थर्ड हमारे पास कॉनिकल और फोर्थ हमारे पास रिक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। इसी तरह अगर आप आगे मूव करते हैं यहाँ पे जस्ट अभी के लिए आप जैसे सिर्फ इंटरेक्टिव फिल टूल की हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंटरेक्टिव फिल टूल की बात करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ नो फिल। अभी आप देखिए हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, बिल्कुल लास्ट पे आए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी फिल, ठीक है। सम टाइम आप क्या करते हैं, आपने कोई ग्रेडियंट अप्लाई किया है किसी जगह पे, किसी ऑब्जेक्ट में आपने कोई ग्रेडियंट अप्लाई किया है और अब आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, आप बार बार उस इफेक्ट को क्रिएट नहीं करते या बार बार ग्रेडियंट नहीं अप्लाई करना चाह रहे, आप उसी को दूसरी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई फिल नहीं है अभी तक, लेकिन अगर हम ये वाला जो ग्रेडियंट है उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं इस जगह पे, तो हम पहले अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लाइक हमने पहले अपना इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल को एक्टिव किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑप्शन कॉपी फिल। हम इस कॉपी फिल का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब ये हम किस ऑब्जेक्ट से जो फिल है वो कॉपी करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि हम ये वाला फिल इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो फिल है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से। इसी तरह अगर आप ये वाला चाह रहे हैं इस फिल को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए,
अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये आपके पास फाउंटेन फिल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं सारी। तो फाउंटेन फिल में आपके पास यहाँ पे कॉपी फिल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ जिस ऑब्जेक्ट से आपको कलर कॉपी करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो आपका ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे देखें, आपने पहली दफ़ा आपने क्या किया हुआ अप्लाई, आपने यहाँ पे एलिप्टिकल किया हुआ। मैं यहाँ से जस्ट इसको एलिप्टिकल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारे पास एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, ठीक है। अगर मैं इस एलिप्टिकल को यहाँ पे कॉपी करना चाह रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे मैंने कॉपी फिल किया, और सॉरी पहले हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज के हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इंडक्टिव फिल टूल को लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला है कॉनिकल फाउंटेन फिल, और अगर हम यहाँ पे, या रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। अगर हम यहाँ पे एलिप्टिकल फाउंटेन फिल को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी फिल करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इस फिल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, यही फिल आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ग्रेडियंट को कलर भी वही अप्लाई हुआ है और आपका पैटर्न भी वही अप्लाई हुआ है यहाँ पे। इसी तरह अगर आप ये अब कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी फिल के ऊपर क्लिक करें और इस कलर के ऊपर आके क्लिक कर दें, ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल जी करते हैं या फिर इनको हम डिलीट कर देते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को। अब कुछ बटन्स और हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की, जी को प्रेस करें या फिर इंडक्टिव फिल टूल को यहाँ से ले लें। इंडक्टिव फिल टूल को हमने सेलेक्ट किया, यूं ड्रैग करके हमने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, हमने कुछ इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक साइड पे येलो प्लेस किया है, एक साइड पे मैंने ब्लैक कलर प्लेस किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएँ, इस तरफ मूव करें, हमने ये बटन डिस्कस कर लिए हैं पहले, तीन, नो फिल, यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल। उसके बाद यहाँ पे ये इस फाउंटेन फिल के जो हमारे पास चार बटन हैं, इनको ये आपका कलर क्या है, आप चाहें तो यहाँ से भी कलर्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपने रेड को सेलेक्ट किया तो आपके इस नोड के अंदर जो भी नोड सेलेक्ट होगा ना, उसके यहाँ पे कलर शो हो रहा है। लाइक मैंने येलो को सेलेक्ट किया, येलो का यहाँ पे कलर शो हो रहा है। तो येलो के लिए हम यहाँ से अगर स्यान करते हैं तो यहाँ पे स्यान अप्लाई हो जाए। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे येलो रखते हैं, जैसे हमने येलो को प्लेस किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये नोड ट्रांसपेरेंसी आ रही है। नोड ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, आपके एक नोड की ट्रांसपेरेंसी है। जिस तरह मैंने बताया, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे भी नोड ट्रांसपेरेंसी आ रही है, इसी तरह आपके पास इस जगह पे नोड ट्रांसपेरेंसी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा, इस स्लाइडर को आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका वो कलर ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम जीरो रखते हैं। इसके आगे अगर मूव कर लें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक बटन है वो रिवर्स फिल का है। तो जब आप रिवर्स फिल के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो नोड्स होते हैं वो आपस में स्वैप हो जाते हैं कुछ इस तरह से। लाइक एक साइड पे येलो है और एक साइड पे रेड है। अगर मैं अगेन यहाँ पे रिवर्स फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अगेन यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो अगर आपने नोड्स के अंदर कोई कलर्स अप्लाई कर लिए हैं, उनको अगर आपने यहाँ पे रिवर्स करना है तो आप इस रिवर्स के बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपके यहाँ पे कलर्स रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पे अभी जस्ट हमने इन बटन, ये वाले बटन डिस्कस कर लिए हैं, नो फिल, यूनिफॉर्म, फाउंटेन फिल, आपके पास यहाँ पे लीनियर फाउंटेन, एलिप्टिकल फाउंटेन फिल, कॉनिकल फाउंटेन फिल और रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। इसके अलावा ये आप कलर्स यहाँ पे पिक कर रहे होते हो, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हो और यहाँ से रिवर्स फिल कर रहे होते हो। इसके अलावा कलर्स को मल्टीपल वे से ऐड करने का भी वे मैंने आपको बता दिया।